लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या ये बात सच है कि आप हिंदुस्तान में शादी करने के लिए आई हैं? राइट, हम शादी के लिए आया, इसमें हैरानी क्या है? इतने बड़े रईस राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी मिस रवीना, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, फिर आपने हिंदुस्तान को ही शादी के लिए क्यों चुना? आई मीन हिंदुस्तान के लड़कों को। और हमको लगता है कि इधर के लोग प्यार को बहुत प्यार करते हैं। yes. मेरा मतलब प्यार से नहीं, ये दिमाग नहीं दिल से काम लेते yes. हैं। हमको भी एक ऐसा ही दीवाना चाहिए। मिलेगा मैडम, ये कंट्री ही दीवानों की है। uh-huh. एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं मैडम। You naughty man. मैडम आपने कुछ बोला तो नहीं? आपने कुछ सुना तो नहीं ना? जी हमने कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोला, हम कुछ बोलेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? यस मैडम, आप कुछ बोलेंगे, ये कुछ समझेंगे, थोड़ा कुछ समझेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, वहाँ कुछ छपेगा, और जो कुछ छप के आएगा वो अजीब सा कुछ होगा, और इस अजीब से कुछ में कुछ का कुछ हो जाएगा। करेक्ट? कुछ न कुछ तो हो जाएगा। मिस कुछ कुछ? हाँ। आखिर आप है कौन कुछ कुछ? ये है करिश्मा, मेरी सेक्रेटरी कम फ्रेंड कम एडवाइसर कम अटेंडेंट कम को कम। वन मिनट, एक आखिरी सवाल। अगर आपको दो लड़के एक साथ मिल जाएं, एक थोड़ा दिल वाला और एक दिमाग वाला, तो आप किसको पसंद करेंगे? दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरी मैडम को पसंद है लड़का थोड़ा दिल वाला और दिमाग वाला। राइट राइट। क्या रुस्तम सेठ नहीं है क्या? क्या गले पे बासीमा लगता है यार। अच्छा कैसे उमर? क्या अहमद भाई, स्ट्राइक खत्म नहीं हुई क्या? नहीं यार, चल रही है अभी तक। यार ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी कुछ समझ में नहीं आती। पता नहीं यार ये लीडर लोग क्या क्या करते रहते हैं, नुकसान तो हम ही लोगों का होता है ना। हाँ लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार। ओके अभी क्या साला फोकटचन। ए नया है क्या, पैन चालू कर। साला खटारा, कभी भी सर पे गिर सकता है। लंदन की अप्सरा भारत में योग्य दूल्हे की तलाश में, क्या छोकरी है रे, एकदम हीरोइन का माफिक। कमाल है, शादी के लिए भारत आई है। अरे आगे पढ़ आगे पढ़। 50 करोड़ की जायदाद उसे मिलेगी जिससे वो शादी करेगी, और लंदन में 2 फैक्ट्री भी, स्विट्जरलैंड में हीरे का कारखाना भी, और एक फार्म हाउस भी है। अरे छोकरी क्या है यार, ये तो लॉटरी की टिकट है। टिकट? ए, बस बस, ये न्यूज मेरे लिए छपी है। तेरे लिए छपी है? और नहीं तो क्या, ये मेरी हीरोइन है, मेरी। हम क्या मर गए, ये इंडिया आई है तो सिर्फ मेरे लिए। वाह मेरे शेर वाह, बस एक बार जाकर तू उसे फंसा ले जैसे मैंने तुझे फंसाया है। क्या बनाया? हीरो बनाया हीरो। एक बार उसे पटाकर लेकर आ जा, उसके बाद अपनी वाह वाह प्रोडक्शन इंटरनेशनल प्रोडक्शन बन जाएगी, और हम लोग इंग्लिश में पिक्चर बनाएंगे। इंग्लिश नो यू फास्ट इंग्लिश टॉक इंग्लिश वॉक इंग्लिश फिनिश फिनिश। लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत। नो प्रॉब्लम, पैसे आ जाएंगे। बाप का मकान, बाप की दुकान दोनों बेच दे। उई माँ। हाँ, आधा पैसा मुझे दे और आधा पैसा लेकर तू चला जा। मैं यहाँ बैठकर स्टोरी बनाऊंगा, सेटअप बनाऊंगा, म्यूजिक बनाऊंगा। तू लड़की को पटाकर लेकर आ, उसके बाद स्टार बन जा, सुपरस्टार, सुपरस्टार। बाबू लाल नमक हराम, मेरी दुकान के सामने अपना ही धंधा शुरू कर दिया। अरे अपना धंधा नहीं मालिक, आप ही का धंधा कर रहा हूँ। अमर बाबू ने सबको दुकान के बाहर ढकेल दिया मालिक। मालिक अमर बाबू को पता नहीं क्या हो गया है, अकेले में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। बड़बड़ा रहे? अरे आप मान गए आपको। यह ग्रेट, मैं जानता था कि आप में कुछ है, लेकिन इतना कुछ। अमर आपको सलाम करता है। ये क्या हो रहा है? आउट, बोला था बाहर खड़े रहने के लिए। अबे गधे मैं तेरे। पिताजी आप आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। पिताजी आप महान हैं, आप ग्रेट हैं, आप एक मिसाल हैं, आप जैसा बाप इस दुनिया में नहीं। आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, बल्कि बल्कि आज मुझे एहसास हुआ कि आप पुरुष ही नहीं हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष, महान, महान, आप महाज्ञानी हैं, महा सब कुछ। हे प्रभु, तूने आज मेरी प्रार्थना सुन ली? सुन ली सुन ली, वो तो 26 साल पहले ही सुन ली थी। कहाँ है आपके चरण? मैं आपके चरण रहने चाहता दे बेटा, रहने दे बेटा। लेकिन मुझे एक बात बता, तूने मुझ में आज क्या देखा? यही तो आपका बड़प्पन है पिताजी, कि आप अपनी महानता की वजह खुद नहीं जानते। आप इतने महान इसलिए हैं क्योंकि आप अमर के बाप हैं। अमर के?
आज मैं आपको पहचानता हूँ, कल दुनिया आपको पहचानेगी। लोग कहेंगे वो देखो अमर का बाप जा रहा है, वो देखो अमर का बाप जा रहा है। पुलिस भी यही कहेगी वो देखो अमर का बाप जा रहा है। ओहो पिताजी, लेकिन आप इतने उदास क्यों हैं? जब भी मैं खुश होता हूँ आप उदास हो जाते हैं। उदास ना हो तो क्या हूँ, तू जब जब खुश हुआ है तब तब मैं बर्बाद हुआ। याद है मैंने पहली बार तुमको एक साइकिल लेके दी थी? साइकिल? तू बहुत खुश हुआ, तूने साइकिल चढ़ा दी मेरे पिताजी की टांग पे। और वो मरते दम तक लंगड़े बापू के नाम से पहचाने। दूसरी बार तू बहुत खुश हुआ था, मैंने तुम्हें राम भरोसे रॉकेट लेके दिया था दिवाली में, तूने रॉकेट उड़ा दिया और गुप्ता जी की दुकान जला दी। मैं आज तक लोगों के सर मुंड मुंड के उसके पैसे भरे जा रहा हूँ। तीसरी बार तू बहुत खुश हुआ था जब तेरी मामी के घाघरे का नाड़ा तू। पिताजी पुरानी बातें छोड़िए, अब तो मैं वो करने जा रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। क्या करने जा रहा है? घबराइए मत पिताजी, सोचिए अगर आपके हाथ में ये 5 पैसे की बीड़ी की जगह 50 रुपए का सिगार होता है? और ये टोपी की जगह हैट होती, झप्पे की जगह सूट, और पैर में विदेशी बूट, कैसा लग रहा है डैडी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, फाइन फाइन। थैंक यू डैडी, थैंक यू। लेकिन ये सब होगा कैसे? हाउ हाउ? वाओ डैडी, मैं एक बहुत ही रईस लड़की से शादी करने वाला हूँ। अच्छा? हाँ, उसके बाद हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा? मैं आपके लिए ऐसी कई लेडी शॉप खोलूंगा। ओह रियली? लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करता जल्दी जल्दी? डैडी उसके लिए आपको अपना घटिया सलून बेचना होगा। अच्छा? और मुझे 25,000 रुपए देने होंगे। 25,000 रुपया? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, भाग यहां से, चल निकल निकल निकल। पकड़ पैसे, चमन्नी दे वापस। क्या भैया, चमन्नी के लिए शोर मचा रहे हो? अबे चमन्नी चमन्नी जमा करके तो मकान बनवाया मैंने, चमन्नी जैसे कुछ होती नहीं है। क्यों बाके मियां? आओ। कैसी रही यात्रा, दर्शन हो गए कि नहीं बाबा के? भीड़ भड़क का तो बहुत था, मैं भी धक्का मुक्की करके अंदर बढ़ गया और पैर पकड़ लिया बाबा जी के। अब ये घमाघमी कैसी है भाई, लाला जी का मकान बिक गया क्या? लाला जी का नहीं, आपका मकान बिक गया। मेरा मकान बिक गया? अरे अरे पकड़ इसको, अरे मेरा मकान, अरे किसने बचा? अरे लेकिन मुझे का मकान? अरे बाकी सामान रख नीचे। अबू जान चिल्लाता है, अबू जान। क्या बात है मुस्ताक बेटा? ये कौन? ये तो लियाकत है। कौन लियाकत? जिसकी चिमड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। यानी कि जहाँ कैंची चलती थी खचाकच खचाकच, वहाँ पर गंडा सा चलेगा घटाघट घटाघट घटाघट। कौन है आप लोग? कौन हूँ मैं? बांकेलाल। बांकेलाल हूँ, इस मकान का मालिक हूँ भाई। मैं बाहर क्या गया, आप अंदर चले गए? चले गए तो चले गए। अच्छा आप हो बाके भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां अस्पताल से कब छूटे? अस्पताल से? तुम्हारे बेटे ने कहा था कि तुम्हारा दिमागी इलाज चल रहा है। दिमागी इलाज? ये क्या प्रोग्राम है? बड़ा नेक बेटा है तुम्हारा, बोला अब्बा के इलाज के लिए पैसा चाहिए, पूरे 22,000 दिए हैं मैंने इस मकान के। 22,000 दे दिए और उसने ले भी लिए? ये मेरा पुरखों का मकान है साहब। नहीं था, अब नहीं है। नहीं है बेटे, मैं तुझे देख लूंगा प्रेम। बाबूलाल शाबाश वफादार, मेरी दुकान फुल है तो तू बाहर मेरा धंधा कर रहा है। आपका धंधा नहीं मालिक, इस बार मैं अपना ही धंधा कर रहा हूँ। आपका धंधा बंद हो चुका, आपकी दुकान बिक चुकी है। मालिक आप 2 दिन शादी में क्या गए, अमर बाबू ने शंकर सेठ को दुकान बेच दी। आपके बेटे ने आपकी दुकान मुझे बेच डाली है, अब मैं इस दुकान में चूड़ियों का धंधा करूंगा। और मालिक ये आपके नाम से चिट्ठी देकर गए। ये 50 करोड़ की जायदाद, इकलौती वारिस, बचपन में देखा था इसे, लगता है जवानी के बहुत कम दिन देख पाएगी बेचारी। शादी करने इंडिया आ रही है, मौत भी किसे कहां कहां खींच कर ले आती है। अच्छा गेम खेलने का मजा आएगा रॉबर्ट। यस सर। भल्ला से कहो कि वो शांति वाला पहुंचकर डिसोजा की जगह पे लग जाए। जी सर। लेकिन सर मिस्टर भल्ला का एक फैंटास्टिक आइडिया है, क्यों ना हम डिसोजा को जूनागढ़ की पहाड़ी पर से। रॉबर्ट भल्ला का आइडिया अपने पास ही संभाल कर रखना। इस गेम का हर पत्ता कैसे पीसना है मुझे अच्छी तरह आता है। ये गेम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम है, इसका तो हर पत्ता मैं सोच समझ कर उतरूंगा। इन्हें
में से एक भी ठीक नहीं है रॉबर्ट, एक भी। किसी की नाक टेढ़ी है तो किसी की आंखें, किसी के कान छोटे हैं तो किसी के कान बड़े। मुझे लगता है इंडिया आना ही बेकार हुआ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है अपने मैनेजर डिसूजा पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी तस्वीरें मेरे सामने लाने की? वैसे वो है कहाँ? अब डिसूजा नहीं है मैडम। तुम कौन हो? ये कौन है रॉबर्ट? ये हमारे नए मैनेजर। विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। भल्ला? लेकिन डिसूजा कहाँ है? हाँ, उनकी तो छुट्टी हो गई मैडम। इनका मतलब ये है कि डिसूजा एक लंबी छुट्टी पर गए हैं। अब यहाँ का सारा इंतजाम हम करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। रॉबर्ट, मैडम को आराम करना है और हमें काम करना है। कमान पालमी।